और एक बार प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, पिछली बार जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 102 सीटें पिछली बार, पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी, बीजेपी के खाते में 40 गई थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 गई थी, क्योंकि उनमें से 24 जो हैं वो डीएमके के खाते में गई थी, जहां पर तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है। राजस्थान बीजेपी अपने लिए स्वीप स्टेट मानती है, तो बहुत उम्मीद बीजेपी उस राज्य से कर रही जहां आप हैं। करें 2014-2019 की तो जबरदस्त जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की थी। जिस जगह हम हैं ये जयपुर अर्बन सीट है और ये भी बीजेपी का मुख्य तौर पर गढ़ माना जाता है। और यहां पर अगर वोटर्स की हम बात करें तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लगभग 25% जो है मतदान हो चुका है। लेकिन यहां पर जिस तरह से चुनावी सरगर्मी चरम पर है, वैसे ही तापमान की तपिश भी लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और यहां पर कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? उमेश शर्मा है मेरा। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ, वोट कास्ट कर दिया। ले लीजिए। क्या मुद्दा रहा इस बार आपने जब वोट किया? इस बार मुद्दा तो ये है कि देखो, प्रजातंत्र है तो मुद्दा तो क्या रहेगा, वक्त बताएगा। आपका नाम? रीना चौधरी। रीना जी, आपने वोट कर दिया? नहीं, मैं बीएल हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो जो वोट करने आ रहा है उनसे हम बात करेंगे। और एक एक करके लोग यहाँ पर अपनी लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्राउड जो है पहले के मुकाबले कम हो गया, लेकिन जैसे धूप कम होगी और समय बढ़ेगा, फिर से एक बार शाम होते होते जो है संख्या यहाँ पर वोटर्स की बढ़ेगी। लेकिन हम इनसे और बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? आशा देवी। आपने वोट कर दिया या अभी वोट डालेंगे? जी, मैं एक बार मीनाक्षी का रुख कर रही हूँ प्रियंका, क्योंकि मीनाक्षी जो है वो वहां पर पहाड़ों का भी मूड बता रही हैं कि वहां पर इस बार क्या कह रहा है मौसम और क्या कह रही है चुनावी फिजा। मीनाक्षी जरा बताइए, आप थोड़ी देर पहले अनिल बलूनी से बात कर रही थी, वो अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत दारोमदार ये हिल स्टेट्स भी हैं, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी ने अपने लिए पैर जमाए रखे हैं और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से उनके खाते में सीटें जुड़ेंगी, कम नहीं होंगी। बिल्कुल सुचारिता, जो आप कह रही है, क्योंकि क्लीन स्वीप की अगर हम बात करें तो 2014 और 2019 में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप देखने को मिला था। उसके पहले आप राजस्थान में बात कर रही थी प्रियंका से, वहां के लोगों के मिजाज समझ रही थी प्रियंका, और सचिन पायलट वहां क्या कह रहे हैं पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर उत्तराखंड के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे यहां के लोगों का मिजाज। प्रचारक सचिन पायलट जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पायलट साहब, आपसे 2-3 सवाल ये कर रहे हैं। आप लगातार, अच्छा माहौल है पूरे देश प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड को लोग संज्ञान लेकर ही वोट डालेंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा के जो दावे हैं 300-400-500 पार करने के, उन दावों में कोई दम नहीं है। सरकार की बार बार अग्निवीर योजना को लेकर निशाना साध रहे हैं, आखिर इससे आपको क्या लगता है कि युवाओं को क्या परेशानी? हमने कहा ये अग्निवीर योजना गलत है, नौजवानों की आप रास्ते बंद कर रहे हो। देशभक्ति की भावना लेकर कोई फौज में जाना चाहता है उसको आप क्यों उसको रोकना चाहते हैं? तमाम मुद्दे हैं, नौजवानों के हैं, बेरोजगारी के हैं, किसानों के हैं, महिलाओं के हैं, और सिर्फ प्रचार प्रसार पब्लिसिटी से चुनाव नहीं जीता जाता, परफॉर्म करना पड़ता है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही लोग वोट डाल रहे हैं। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है, एक तस्वीर मैं बताऊं कि सुबह से जब हम पोलिंग बूथ पर जा रहे थे तो लोग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर चढ़ रही है लोगों की संख्या बढ़ गई है, और ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है। सर, मैं यहाँ पे पूछूं अगर आपसे, आप लोग वोट देने के लिए निकले हैं, चुनाव में बहुत सारे वादे बहुत सारे दावे किए जाते हैं, क्या लग रहा है इस बार किसके दावे में दम है? नहीं देखिए मैडम, मैं तो चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ भाजपा का, तो हमें तो अपना ही अपना दिखाई तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने गलत आदमी से पूछ लिया। ऐसा है, दावा और वादा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये देखना है किसका दावा सच्चा है। अभी जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस, वो कैसे पता चलेगा सर? वो पता लगेगा जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है बीता है। वो स्वर्णिम युग है की शुरुआत है, और हम लोग राम राज्य की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला राम राज्य की बात, क्या राम राज्य का मुद्दा भी चुनाव में मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल राम राज्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये पूरे हर जगह राम राज्य होगा। आगे आने आगे कहती हूँ सर, आपको लग रहा है राम मंदिर और राम राज्य का मुद्दा इन चुनावों में इम्पोर्टेंट? बिल्कुल है जी। हाँ। आप नारी शक्ति से पूछिए उधर। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल राम राज्य का मुद्दा इम्पोर्टेंट है।
चलिए मैं एक बार जरा यहाँ पूछ लेती हूँ, वो इशारा आपकी तरफ कर रहे थे जी। आप बताइए, वो कह रहे हैं राम राज्य का मुद्दा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों के बीच से ही ये बातें निकल कर जी बिल्कुल है जी, प्राण प्रतिष्ठा हुई ये आपके लिए बिल्कुल मायने रखता है, भारत के लिए बहुत मायने रखता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं आप लोग आप फर्स्ट टाइम वोटर नहीं सेकंड थर्ड टाइम सेकंड टाइम वोटर अच्छा बताइए युवाओं के लिए यूथ के लिए क्या है एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट फॉर द बिजनेस एंड ऑल चुनावी सभाएं होती हैं सुनते हैं नहीं नॉट रियली चुनावी मुद्दों के बारे में कैसे पता होता है चुनावी मुद्दे सभाएं सुनते हैं कभी कभी क्या मुद्दा आपको लगता है किसकी गारंटी किसी मोदी की सबसे ज्यादा गारंटी चली रही है और चलेगी भी और भी वो चलेगी भी बिल्कुल चलेगी आप बताइए इन नेशनल लेवल पे हम इंडिया काफी पहले से अप हुआ है एवरीबॉडी नोज अस नाउ पहले इतना नहीं था बिकॉज ऑफ मोदी सो वी आर स्टैंडिंग थोड़ा ऊपर देश का कद बढ़ गया यस राइट राइट पासपोर्ट पावर स्ट्रांग हुई है हमारी यू कैन से दैट पासपोर्ट पावर स्ट्रांग हो गई है वो कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह सामी ने भी आज वोट किया वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात सुन लेते हैं मैंने सबसे अपील की है कि सभी मतदान करें और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आज कोई ऐसा रहना नहीं चाहिए जो मतदान के बिना रहे एक सशक्त भारत के लिए एक विकसित भारत के लिए सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिकों के मनोबल के लिए गरीबों के कल्याण के लिए मातृशक्ति की सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए दुनिया के अंदर भारत का परचम फहरे पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने तो हम सब लोगों ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको मतदान करना है मैं सबसे अपील करता हूँ तो जो लोगों के बीच के मुद्दे हैं वो लोगों के बीच से ही सुनाई देते हैं श्वेता के पास एक बार जा रहे हैं श्वेता आप रामपुर में हैं और वहां पर एक नेता की खनक हमेशा से रही वो थे आजम खान इस वक्त आजम खान नदारद हैं लेकिन उनकी कितनी छाप आपको लग रहा है वोटरों के बीच है या फिर नहीं है देखिए सुचारिता ये पहला ऐसा चुनाव है जहां ना इस बार मैदान में नवाब परिवार है और ना ही आजम खान की वो विरासत देखने को मिलती है जो हर चुनाव में देखने को मिलती थी और ये वही पोलिंग स्टेशन है जहां पर आजम खान वोट किसी वक्त में किया करते थे लेकिन आज यहां पर लोगों का सिर्फ ये कहना है कि वो दबदबा खत्म हो चुका है उनको सिर्फ और सिर्फ विकास का ही वो चेहरा देखना चाहते हैं मैं जरा दिखाती हूं आपको सुचारिता कुछ तस्वीरें यहां से क्योंकि यहां जो लोग हैं वो आकर के पहले जिनको अपनी पर्चियां घर तक नहीं पहुंची थी वो यहां पर आ रहे हैं और इसके बाद अपनी पर्ची देख रहे हैं भाई साहब पर्ची में नाम है जी साहब पर्ची में तो नाम है हमारा पर्ची में नाम है नाम है लोग आए नहीं घर पे देने के लिए बहुत कम लोग हमारा तो आया नहीं वोट ये पर्ची में नाम है तो आप जाकर के आप वोट करेंगे बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे आप लोगों के लिए रामपुर वालों के लिए इस बार क्या कुछ नजर आता है बदलाव देख रहे हैं नई सियासत देख रहे हैं क्या देख रहे हैं जी बिल्कुल नई सियासत देख रहे हैं हम कैसे नई सियासत नई सियासत क्योंकि देखिए विकास कहाँ हो रहा है यहाँ पे विकास की जब ना इस बार नवाब परिवार भी मैदान में नहीं आजम खान भी नहीं तो ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें दोनों नहीं है जी कोई बात नहीं है असल में ये है ना कि देखिए जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा हम उसी वोट डालेंगे कैंडिडेट अच्छा विकास यही मुद्दा जी 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 शांत नजर आ रहे हैं बहुत क्या हुआ जी शांत है बहुत क्या हुआ परेशान दिख रहे हैं अरे ये देखिए ना हाथ में आधार कार्ड ले खड़े हुए पता चला पर्ची नहीं पहुंच पाई तो परेशानी हो रही नहीं हो रही पर्ची यहाँ पर है अभी ना अभी वहाँ चेक करवाई यहाँ चेक करवाई उससे ज्यादा परेशानी हो रही दिखा नाम दिखा अभी चेक करके बताएंगे अभी कहाँ वहाँ भी नहीं पता चला यहाँ ना यहाँ पे भी नहीं पता तो लग ही जाएगा भाई साहब आपको मिला अपना नाम नाम नहीं लगा करके आए हैं बिल्कुल जी भगवान की पहले पूजा अर्चना करके पूजा वूजा कर ली दो बार कर ली तो आप लिखा नाम कहीं पूरा आपने खंगाल डाला हाँ हाँ खंगाल मिला अपना नाम ना नाम ही तो नहीं मिला ये हाथ नहीं मिला पहले देख लेते थोड़ा ये आसानी हो जाती अब उसमें से लोगों के बदल जो है ना तो भी ये लोग इनके पास में नहीं मिल पा रही तो मतदान करते आ रहे होंगे क्या मुद्दे रहे आपके लिए मुद्दे तो सही है जो चल रहा है वो बढ़िया है मुद्दे सही है अच्छा तो वो सही मुद्दे देखिए अच्छी बात यह है श्वेता के लोग अपना नाम ढूंढ रहे हैं ये वोटिंग को लेकर मतदान को लेकर एक उत्सुकता दिखाती है जो कि वोटर में बनी रहनी चाहिए फिलहाल इस वक्त और बड़ी खबरों के लिए बैक टू स्टूडियो गृहमंत्री अमित शाह ने दाखिल किया अपना नामांकन गांधीनगर से नामांकन दाखिल किया अमित शाह के साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे
नामांकन दाखिल करने के बाद बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा बूथ कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं, इस सीट पर लड़ना मेरे लिए गौरव की बात। लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है, मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। अनुराग ठाकुर ने फर्स्ट टाइम वोटर से की अपील, कहा 18वीं लोकसभा का चुनाव है, देश के नाम दे अपना पहला वोट। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी 400 पार करेगी, कांग्रेस लड़ रही है सिर्फ 40 की लड़ाई। बुलंदशहर में सीएम योगी का सपा और कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस सपा और बीएसपी ने देश को 370 दिया, बीजेपी ने खत्म किया, अब देश में कोई आतंकवादी वारदात नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बंगाल सरकार पर हमला, कहा बम से नहीं डरते बीजेपी कार्यकर्ता, बंगाल में तुष्टीकरण चरम पर है। चिराग पासवान का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा बिहार में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, पहले चरण की चारों सीटें हम जीत रहे हैं। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन ने किया जीत का दावा, बोली एनडीए का यहां कोई जनाधार नहीं, यहां से इंडी गठबंधन ही जीतेगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आके ने मारी पलटी, वीडियो जारी कर मांगी माफी, नकुलनाथ के लिए मांगे वोट, कहा मैं नकुलनाथ जी के लिए खड़ा। बेंगलुरु में 60 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी, कई व्यवसायियों के घर, चुनाव के लिए धन शोधन के शक में छापेमारी।